अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ जी भारत से हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। जबकि सर का काफी बिजी शेड्यूल था, थैंक यू। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करूंगी। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं ये और बात है कि रिजल्ट्स कोई मान रहा नहीं है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे एजेंसीज या फौज का अमल दखल रहा है। आपको लगता नहीं है कि इतने 76 इयर्स के बाद भी पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है जहां से चला था 1947 में, और अभी तक जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही? मेरे ख्याल में कि अगर हम इस सियासत को देख ले या पोलराइजेशन को देख ले या इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिकल चेकर्ड हिस्ट्री को देख ले तो ऐसी चीजें पहले भी होती है और अब भी होती है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कोई रूल ऑफ द गेम नहीं होता, इसका एज मालूम नहीं है। वो मेरे ख्याल में 5 साल से शुरू करते हैं और 105 साल पर चले जाते हैं, फिर भी वो पार्टी लीडर होता है। और इसी तरह सारे पॉलिटिक्स में होता है, वो गरीब सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता लेकिन कहते हैं वो सदर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। गिर भी जाते हैं उसके बावजूद कहते हैं नहीं, ये सदर और प्राइम मिनिस्टर है। बाकी हर शोबे के लिए कोई एक्सक्यूज मी कोई रूल होते हैं, कोई उसके एज लिमिट होते हैं, कोई इसके अलावा कुछ खत्मे होती है उस पर, लेकिन इसमें नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये वाकई हर कोई कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है और हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। तो अगर सब कहते हैं कि धांधली हुई है तो मतलब है कि धांधली एक दूसरे के साथ इन्होंने खुद की है। और दूसरी बात यह है कि जो नाकाम हुआ वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे हराया गया और मेरे सीटें दूसरे को दी गई, और जो जीत गया है वो कहते हैं नहीं मुझे ज्यादा वोट मिलते थे, मेरा वोट कम कर दिए हैं। तो ये एक अजीब किस्म। और तीसरी चीज ये भी बताना चाहता हूं कि कल जो एक दूसरे को एक्सक्यूज मी बड़े बुरे नामों से पुकार रहे थे आज वो दोस्त बन चुके हैं। तो पॉलिटिक्स में न परमानेंट दुश्मनी होती है और न दोस्ती होती है, और अब लोग उस पर हंसते हैं कि यार हम किसके लिए लड़ रहे थे, किसके लिए एक दूसरे के साथ मतलब है कि खामखा सींगड़ आए हुए थे और एक दूसरे से नाराज हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में कि पॉलिटिक्स का जिस मुल्क में भी हो कम या ज्यादा उसका रुख उसका चेहरा इसी तरह होता है। तीसरी बात कि जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है तो ये एस्टेब्लिशमेंट पर ये दबा कब से चला आ रहा है और चलेगा, लेकिन अगर अमरीका में रशिया पर उंगलियां उठ सकती है कि उन्होंने मुझे हराया, उन्होंने इस चीज को डिजिटली हाईजेक कर दिया, तो इस किस्म की चीजें पूरी दुनिया में होती है। और तीसरी बात ये भी आ जाती है कि हम तो चाहते हैं कि अगर इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाए तो, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है एक दूसरे के हक को तस्लीम करे, एक कोलेशन या नेशनल गवर्नमेंट बनाए तो सबको कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाएगा और फिर मेरे ख्याल में कि सबके मुंह में कुछ पढ़कर खामोश हो जाएंगे। मैं कर्नल साहब की तरफ चलूंगी। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन कर्नल साहब एक चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे। भारत में कभी हमने देखा नहीं कि फौज जो है या एजेंसीज जो है वो आके उन्होंने हुकूमत संभाली हो, सिविलियन गवर्नमेंट ही चली है। सर क्या राज है, हमें भी सिखाइए ना। हम बार बार उसी में उलझे रहते हैं कि हमारी इस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इल्जाम यही लग रहे हैं कि एजेंसीज ने या फौज ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। आरजू जी, जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो कृपया कर ध्यान रखिएगा, मैं एंटी पाकिस्तान आर्मी नहीं हूं, मैं एंटी पाकिस्तान भी नहीं हूं, और मैं कोई आपकी या किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं, लेकिन इसका एनालिसिस हम आपस में करना मेरे ख्याल ज्यादा अच्छी बात होगी। ब्रिगेडियर साहब ने कितनी बढ़िया बात करी है जो पूरी दुनिया के लिए सही है कि पॉलिटिक्स में रूल्स कहीं नहीं होते। आई एग्री ऑन दैट, वेयर इज द डाउट, दैट इज व्हाई इट इज पॉलिटिक्स, इट्स कॉल्ड एज डर्टी पॉलिटिक्स। हमेशा पूरी दुनिया में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डर्टी पॉलिटिक्स, लेकिन जब सर आप रूल्स की बात करते हैं, आई एम वेरी श्योर आर्मी के पास तो रूल्स होने चाहिए। अगर आर्मी भी उस डर्टी पॉलिटिक्स में चली जाएगी
तो मैं अगर पाकिस्तानी होता तो मैं कैसे फक्र करूं अपनी पाकिस्तान आर्मी में जो कि उस पॉलिटिक्स के अंदर पड़ जाए। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे यहाँ नहीं, आपके यहाँ पर है, आप रीचेक करा लीजिए। आपके यहाँ क्या बोला गया कि मुनीर साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमने बड़े सक्सेसफुली इलेक्शन करा लिए। आर्मी का कोई रोल नहीं होता इसमें, योर पैरामिलिट्री, पुलिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वो करना चाहिए। मुझे लगता है आर्मी को भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अगर कंट्री की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए टू दी एक्सटेंट, जैसा अभी अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी सी बात कन्फेस कर ली, हमेशा से ये धब्बा लगता आया है और आगे भी लगता रहेगा। ये जो आगे लगने का बात है, मुझे लगता है कि आज हम वो वेटरन्स आर्मी के, चाहे वो पाकिस्तान के हो किसी भी जगह के हो, वो एक चीज जरूर बोल पाए, अब हम चाहेंगे कि ये धब्बा आगे ना लगे। जब तक आवाम में, आपके आर्मी के रिटायर्ड लोगों में ये मुहिम नहीं चलेगी, ये एक जोश नहीं चलेगा, एक जज्बा नहीं चलेगा कि आर्मी अलग है, वो मेरे लिए प्राइड का मैटर है। हर पाकिस्तानी के लिए प्राइड ऑफ मैटर शुड बी पाकिस्तान आर्मी, नॉट पाकिस्तान आर्मी इन पॉलिटिक्स, बिहाइंड पॉलिटिक्स, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम अपनी आर्मी का नाम खराब करते हैं जब इस तरह की कोई बात आती है। और लकीली आप जैसे बात कर रहे हैं, मैंने एक और जगह आपने मेरे से सवाल पूछा था, ओहो माय चश्मा इज नॉट देयर विद मी। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारी आर्मी इस तरह की चीजों में ना इन्वॉल्व हो। मैं तो कहूंगा इवन पॉलिटिशियन चाहेगा कि आर्मी उसको ना तो ऊपर खड़ा करें, ना गिराएं, ना कुछ करें। कौन बोल रहा है ये? पीटीआई अगर क्लेम करती है कुछ भी, जो भी कह लीजिए, भाई आपने कोर्ट में केस लड़ा, आप हार गए, जो भी हुआ, आपके ऊपर जाति हुई नहीं हुई आपको पता है। लेकिन आज ये सारी जातियां जो पीटीआई और इमरान खान को लगती हैं, जब वो इलेक्ट हो रहे थे या सेलेक्ट हो रहे थे तब उन्हें नहीं दिखी, तब क्या हुआ था आपको? आज अगर आप ही के साथ वो हो रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग। मुझे आपका सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है ये है, ये आवाम को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं। और आवाम आपकी डिसाइड कर रही है, स्लो कर रही है, लेकिन कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। आई विल नॉट से कि अगर 100% मार्क्स के ऊपर अगर हम एड्रेस करें, आई थिंक अ गुड बिगनिंग हैज बीन मेड कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी करवट बदल रही है, कोशिश कर रही है, खुलकर सामने आ रही है। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है वो एक अलग बात है, बट मुझे लगता है अब आर्मी को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। छोड़िए एक बार, छोड़िए अपनी गवर्नेंस को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे एक चीज बताएं, दोनों जगह इलेक्शंस एक जगह पाकिस्तान में हो गए हैं, भारत में होने वाले, दोनों जगह जब इलेक्शंस हो जाएंगे, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट्स आएंगी, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आएंगी, वो आपस में बातचीत करेंगी, किसी किस्म का ट्रेड ओपन होगा? या पाकिस्तान में तो खैर हमेशा यही कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट रोक देती है बात करने से प्राइम मिनिस्टर को। भारत में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स क्या बात करने के लिए तैयार होंगे भारत से? पिछली बातें जो कुछ हुई है, क्या उसको नजर में रखते हुए हो पाएगा ये? देख लो, जहां तक रिलेशंस की बात है दोनों कंट्रीज के, तो वो स्ट्रेंथ तो है अपनी जगह पर ही, एक हकीकत है। दूसरी बात कि इंडिया में, एक्सक्यूज मी, आज मेरा गला थोड़ा सा, इंडिया में जब से बीजेपी के और स्पेशली मोदी की जो हुकूमत है, तो इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन कुछ ज्यादा स्ट्रेन रहे हैं। और उसमें ये है कि अपने इंडिया के अंदर भी स्पेशली जो माइनॉरिटीज, मुस्लिम हुए, सिख हुए, या इसके अलावा बाकी स्मॉल कंट्रीज जो है, अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है और वहां पर के इंडिया आउट का नारा लग रहा है और उनके जो प्रोडक्ट्स है उसका बाइकॉट हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने हसीना वाजिद जो है उसको तीसरी बार या चौथी बार उसको मतलब है कि उनके इंटरवेंशन से ये इलेक्शन जीते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के अपने अखबार और सारे वो कह रहे हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक रिलेशंस की बात है, तो रिलेशन हमेशा छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो,
वो अपने मफादात के लिए और दूसरा उनके स्पेस से बनते हैं। अगर स्पेस उसके लिए कोई प्रोवाइड न करे एक साइड या दूसरा साइड, तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां तक ट्रैक टू की बात है तो ट्रैक टू तो चलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ट्रैक टू के भी कोई नताइज मुस्बत नताइज न निकलते हों तो वहां पर भी फिर मसला खड़ा हो जाता। और तीसरी बात यह है, क्या अगर पाकिस्तान पर अगर ब्लेम है कि ये नहीं कर रहा है या ये आतंकवादी भेजते हैं या फलाना करते हैं फलाना करते हैं, तो क्या वहां पर कोई इतनी बड़ी लीडरशिप है जो इसका आगाज कर ले, इसके लिए स्पेस पैदा कर ले? ये भी नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि ये जो रेस है दोनों कंट्रीज में, वेपन रेस है, और इसके अलावा जो एक खुद को सुपर पावर प्रोजेक्ट करना, दूसरे को कम पावर प्रोजेक्ट करना, फिर ये जो जिंगोइज्म है, ये चीजें, ये मेरे ख्याल में कि नेबर्स में, डिस्ट्रिक्ट नेबर्स में तो चल सकता है, लेकिन करीब वाले नेबर्स में नहीं चल सकता। और तीसरी बात ये कि न पाकिस्तान इंडिया को मिटा सकता है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, और न इंडिया पाकिस्तान को मिटा सकता है। इनके लीडरशिप की स्ट्रेचर से पता चलता है कि दोनों मुल्कों में वो लीडरशिप स्ट्रेचर नहीं है जो पहले गांधी था या इसके अलावा जिना साहब थे, उस किस्म के लोग मौजूद नहीं है। छोटे लोग दोनों तौर पर हुकूमतों में आते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आगे नहीं बढ़ते। और तीसरी बात कि हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, हमने ये कर दिया इंडिया को या इंडिया ने ये कर दिया पाकिस्तान को, या ये तो छोटा कंट्री अपने मसाइल में फंसा हुआ। बिल्कुल कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिये आरजू जी, मेरी आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके ऊपर अलग से डिबेट कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, डिस्कशन कर लेंगे। डिबेट तो खैर नहीं करेंगे, मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ। आपका पॉइंट बड़ा क्लैरिटी के साथ था, क्या ट्रेड में इजाफा आएगा या नहीं आएगा या रिलेशन अच्छे होंगे। बांग्लादेश बीच में कैसे आ गया, वो मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूँ, ये छोटापन हो गया अनफॉर्चुनेटली। मुझे आप एक बात बताइए, आपके और मेरे रिलेशन किसी तीसरी कंट्री की वजह से डिसाइड करेंगे? ये आपकी फितरत हो सकती है क्योंकि आप हमेशा से यूएस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इवैल्यूएट कर रहा हूं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू के बांग्लादेश में क्या हुआ, हसीना के साथ हमारे क्या रिलेशन है या नहीं। ओ माय गॉड, हाउ कैन आप उसके ऊपर सोच भी कैसे सकते है? कहने के लिए ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, कि उनके यहां किसी ने क्रिटिसाइज करा है, क्या बड़ी बात है। मालदीव्स ने भी क्रिटिसाइज किया है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस पिन पॉइंट किस चीज के लिए हैं? क्या टेररिज्म से रिलेटेड हैं? अगर आज आपके सवाल को सही एनालाइज कर बात करें, अगर पाकिस्तान आर्मी आपकी गवर्नमेंट को फ्री छोड़ देती है, मान लीजिए मेरी बात, आपका ट्रेड ना केवल चालू हो जाएगा, एक अलग लेवल पर चला जाएगा। क्योंकि जब कभी ये बैकग्राउंड देखिए, हिस्ट्री से आदमी सीखता है, बैकग्राउंड में जाकर चेक कर लीजिए कि आप हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन थे, भाई थे, दैट मींस देयर वाज समथिंग गुड अबाउट इट ना, कोई चैरिटी में थोड़ी ना दिए गए थे। ट्रेड इज डन ऑन इक्वल बेसिस, क्या मांग लिया हर बात पर मोदी। व्हाट डू यू मीन बाय मोदी? इट इज नॉट मोदी, इट इज 140 करोड़ पीपल जो चाहते हैं कि नहीं, अब जब तक टेररिज्म से तौबा ना हो हम बात नहीं करेंगे। मुझे आप एक बात बता दीजिए, पाकिस्तान को क्या रोक रही है पॉलिटिकल सिस्टम या आर्मी? क्या आपकी इकोनॉमी में इजाफा हो रहा है कि नहीं यार हम इसको डिसोन नहीं करेंगे कि यस ठीक है, मैं आपका नवाज शरीफ होता या मैं आपका एडवाइजर होता, मैं उनको बोलता जनाब एक लाइन बोलकर अगर हमारी जिंदगी ठीक हो सकती है, हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है, हमें वर्ल्ड लेवल पर हमें जो लोन्स चाहिए एसेंशियल ग्रोथ के लिए मिल सकते हैं, तो ये बोलने में क्या तकलीफ है एक प्राइम मिनिस्टर को कि यस हम इंडिया के साथ बैठकर टेररिज्म को खत्म करना डिस्कस करेंगे। क्या इफ्स एंड बट्स हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा ऐसा इफ एंड बट आ जाता है। आपने एक बड़ी अच्छी सी कोई बात करी कि न्यूक्लियर है, आप हमें नहीं मिटा सकते, आप नहीं मिट सकते वगैरह वगैरह, जो भी है इसको इवैल्यूएट मत करिए।
वी अनफॉर्चुनेटली हैव अ हिस्ट्री, हमारे पास एक हिस्टोरिक इवेंट है जहां एक कंट्री का नाम बदल दिया एज अ पड़ोसी. मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं आपको इवेल्युएट करने की बात कर रहा हूं. कौन किसको मिटा देगा इज नॉट द क्वेश्चन. आप लोग सिर्फ एक्सट्रीम में सोचते हो मिटा देगा. क्यों मिटा देगा भाई? एक सेकंड के लिए मैंने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया, क्या मिलेगा मुझे? इकोनॉमी मिल जाएगी, मैन पावर मिल जाएगी, वहां पर हीरे जवाहरात हैं वो मिल जाएंगे, या वाइस वर्सा आप कर लीजिए. देखिए मत सोचिए इस, आपके सवाल को महत्व तो मिलना चाहिए कि क्या हम ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम जॉइंट प्रोडक्शंस कर पाएंगे कि नहीं, क्या उसकी कंडीशंस निकालिए कि यस अगर नवाज शरीफ एक पर्टिकुलर टाइम पर एक एनवायरनमेंट बनाने में सक्सेसफुल हुआ था. मैंने सिर्फ कहा सक्सेसफुल हुआ था कि यस अटल बिहारी वाजपेयी आपके यहां आ पाए. सक्सेसफुल हुई थी पॉलिटिक्स कि मोदी जी जाकर स्ट्रेट अवे अनइनवाइटेड आपकी कंट्री को विजिट करें बिकॉज देयर वाज अ इवेंट. मुझे बताइए उसके बदले में ये एक लाइन इतनी महंगी पड़ रही है हमें बोलने में कि यस वी आर प्रिपेयर्ड टू सिट विद इंडिया एंड टॉक इट आउट के हाउ दिस टेररिज्म कैन कम टू एन एंड. अगर वो टेररिज्म बालाकोट से हो रहा था हम मानने को तैयार हैं कि इस तरह की चीज हमारे कंट्री में नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो हम इंडिया के साथ मिलकर उसे तोड़ देंगे. हम अपने रिलेशंस खराब नहीं करने देंगे, हम अपनी इकोनॉमी खराब नहीं करने देंगे, हम आरजू के साथ शो करेंगे कि यस ये पॉसिबल है. पहले से ही अगर आप अवॉइड कर जाएंगे इम्पॉसिबल कह देंगे तो फिर बचा क्या. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ही करूंगी, पहले ब्रिगेडियर साहब और फिर कर्नल साहब आपसे, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा. ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल से जो हमारे यहाँ बार बार बात की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स की, बात करता है पाकिस्तान बार बार कह देता है जी हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, आपको लगता है कि दुनिया में अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे वाकई में न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं? क्या हम लोग इतने मैच्योर हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स अटैक कर दें किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान? ये बार बार ये स्टेटमेंट क्यों आती है हमारे पैनलिस्ट की तरफ से भी, हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से भी, वो पाव पाव के बम और पता नहीं क्या क्या. सर ये बातें क्या इस वक्त पॉसिबल है, ऐसा करना चाहिए? मेरे ख्याल में कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया था, और वही अमेरिका जो है वो दूसरों का कहता है कि ये गैर महफूज हाथों में. तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये गिराने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये जंग को रोकने के लिए होते हैं. ये डेटरेंस होता है और यही जंग को रोकता भी है. लेकिन एक ही कंट्री है जिसने उसको इस्तेमाल किया है और वो अमेरिका बादशाह है. और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडिया के इलेक्शंस के हम क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक होते हैं. अभी आपने देखा कि वहां पर जो राम मंदिर का जो सिलसिला हुआ, या इसके अलावा बाकी दो रियासतों में मस्जिदें गिराई गई जो पुरानी थी शायद, बात ये भी आ जाती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन इंडिया सेंट्रिक नहीं होते बल्कि आपस में होते. लेकिन अफसोस ये बात है कि इंडिया में पाकिस्तान सेंट्रिक होते. ये दूसरी बात कि इंडिया जिस तरीके से आर्टिकल 370 या 35A है और उसको यूनियन का हिस्सा बनाने के बाद, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा कहता है कि मुतनाज़िया है, तो मैं ये नहीं, हमारी तो है स्टैंड लेकिन पूरी दुनिया की स्टैंड है. तो ऐसे हालात में बातचीत या ट्रेड ये चीजें क्या चल सकती है? उसके लिए जो मैंने बताया कि स्पेस क्रिएट करने की बात होती है या नहीं. अगर आप स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर आलू और प्याज और उसके ट्रेड का क्या फायदा है? एक बात. दूसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक जंग की बात है या रिलेशंस की बात है, मेरे ख्याल में कि दो नेबर्स है और इसको ये जचता नहीं कि कोई अमेरिका के गोद में बैठ जाए या कोई चाइना के गोद में बैठ जाए या कोई रूस के गोद में बैठ जाए. इन्होंने एक दूसरे का साथ रहना है और अगर ये दूसरे के साथ नहीं रह सकते उस तरीके से, पुरामन तरीके से और अपने मसाइल को हल करने, मैंने तो जो कैपेसिटी की बात की कि भाई लीडरशिप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना उनका वेदर वेल होना चाहिए,
इतना उनका स्टेचर होना चाहिए कि वो मुश्किल फैसलों को कर सके और उसको हल कर सके। लेकिन क्या पाकिस्तान जी जी ये दोनों मुल्कों को के इंटरेस्ट में है, और दोनों मुल्क जब वो इरिटेंट्स को रिमूव नहीं करेंगे और अगर इरिटेंट्स को वो बढ़ाएंगे तो फिर नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सही, लेकिन मैं यही सवाल कर्नल साहब आपसे करूंगी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि वाकई में आपको न्यूक्लियर एसेट्स लगती हैं या न्यूक्लियर वेपन्स वाकई में कोई सिक्योरिटी देते हैं, या कोई ऐसा आपको लगता है कि मैच्योर लोग हैं कि कभी भी चला देंगे? एक काम कीजिएगा राजू जी, बाकियों को तो छोड़ देते हैं, इस समय हम तीनों बात करते हैं इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में इस समय। सबसे पहले न्यूक्लियर बात किसने करी? आपने करी? नहीं करी। मैंने करी? नहीं करी। सिर्फ एक ही जने ने करी। ये देखिए, ये आपके सवाल के मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, और आप ही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब अपने आप में दे आर नॉट अ सॉल्यूशन। मैं कहता हूं प्लीज रिमेंबर, पूरी दुनिया याद कर रही है जिस मोदी को आप कर्ज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब समझिए, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर। हम तो ये कह रहे हैं ये लड़ाई का समय ही नहीं है, आपकी इकॉनमी 50 कदम पीछे चल पड़ेगी, आपके यहां डिस्ट्रक्शन 100% बढ़ जाएगा, आप पूरी दुनिया में एक तबाही क्रिएट करते हैं। जिस यूएस को आज आप ब्लेम कर रहे हैं और गोद में जाने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए क्यों नहीं मैं एज अ पाकिस्तानी फेस कर सकता इस बात को कि मैं यूएस की गोद में था, मैं आज चाइना की गोद में हूं, क्यों नहीं बोल सकते? अरे भाई, इससे आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं मैं इंडिया से सीख सकता कि मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन पाकिस्तान करेंगे? वो नहीं सीखा। न्यूक्लियर पता नहीं कहां से, आपने कहा है, आप चश्मदीद गवाह हैं, आज तक इंडिया के किसी ने अगर पाओ ग्राम का या आधे पाओ का बम के बारे में बात करी है तो बता दीजिए, कभी भी किसी भी फोरम में। देखिए उस इसराइल का कैरेक्टर कि उसके एक मिनिस्टर ने बोला, उसको सैक कर दिया उन्होंने, कि ये न्यूक्लियर कहां से तुम बीच में ले आए? देयर इज नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर, वी आर ओनली फाइटिंग इंसर्जेंसी, वी आर ओनली फाइटिंग हमास। आज तक इसराइल ने ये नहीं बोलने की हिम्मत रखी कि वी आर फाइटिंग पैलेस्टीनियंस, नो दे आर नॉट। इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं, कि अगर यूएस कोशिश भी करेगा तो इसराइल को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है मैं तो हमास और टेररिज्म को फाइट कर रहा हूं, मैं तो पैलेस्टीनियंस को फाइट ही नहीं कर रहा। हाउ कैन यूएस स्टॉप हिम? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं भी यही कह रही हूँ कि एक मैच्योरिटी के साथ दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान पाकिस्तान को चलना होगा। और यकीन कीजिए, जिस दिन ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख जाएंगे, एक साथ चलना सीख जाएंगे, हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान। सीख रहे हैं 100% सीख रहे हैं। आरजू काजमी अगर आज से 4 साल पहले के शो को आज के साथ कंपेयर कर देख ले तो हमारे शोज में अब लड़ाई झगड़े नहीं होते, वी आर एबल टू पुट अप आवर पॉइंट। ये वो आपका कौन सा ऐसा पाकिस्तान का पैनलिस्ट था जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? आप बता दीजिए, आप भी उसमें विटनेस थी, मैं भी उसमें विटनेस हूं, लेकिन कभी नहीं। और दूसरों को छोड़ दीजिए, आपके अपने प्रोग्राम की बात कर लीजिए, कैसे आपके प्रोग्राम में रीजनेबल बात हो रही है, क्यों हो रही है? दैट मीन्स मेरे यहां भी रियलाइजेशन है, आपके यहां भी रियलाइजेशन है कि यार इस न्यूक्लियर रट्टे को छोड़ देते। बिल्कुल ऐसे आपने कहा कि अगर आपको आलू और प्याज का ट्रेड नहीं करना है, मैं कहता हूं सर ओपन अप होइए, कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई धंधा छोटा नहीं होता। आप उससे पूछिए जो वो धंधा कर रहा है। सर ये मूवी मैंने भी देखी है शाहरुख। आप और मैं सीख जाएंगे इस बात से, आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत सीखा, मैं अपने कंट्री का अकेला पैनलिस्ट हूं आपके साथ जिसको के मेरे इंडिया में लोगों ने शुरुआत में क्रिटिसाइज किया था कि आप इतना दब के क्यों बोलते हो, आप उनके फेवर में क्यों बोलते हो। मैं कहता हूं कि आज आपने देख लिया कि अगर हमारा कतार से रिलेशन कंटिन्यूअसली अच्छे थे उसका रिजल्ट क्या हो गया, जरूरत पड़ने आज वो जिस राम टेम्पल की बात कर रहे हैं वो एक और टेम्पल दुबई में कैसे बन गया? इट इज नेवर ओवरनाइट।
इट इज नेवर ओवरनाइट सीखने का, लेकिन मैं लास्ट में ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वो कह के बिल्कुल क्लोजिंग पे जा रही हूँ। जी जी ब्रिगेडियर साहब, देख लो एक तो बात की दुनिया क्यों सही है, 7 न्यूक्लियर पावर से वेपन स्टेट है, क्यों बनाया, किसी मकसद के लिए बनाए, बेमकसद तो नहीं बनाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या इसराइल जो है उसने इराक के उजरीक रिएक्टर को क्यों तबाह कर दिया, इसलिए कुछ दूसरे को अपने पल्ले नहीं आना चाहता कि मेरे बराबर हो सके। उसने वहां पर शाम का जो था फ्रांस में क्यों उस रिएक्टर को तबाह कर दिया, बल्कि उसके पुर्जे या जो भी आ रहा था। तीसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसके बनाने में क्यों ये बहुत सारी दुनिया उसके खिलाफ थी। चौथी बात यह आ जाती है कि अगर ये चीज है, ये हकीकत है और ये बहुत बड़ी हकीकत है, छोटी नहीं है, 10 बार आदमी सोचता है किसी जंग के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में, और यही आपको बता रहा हूं कि अगर इराक के पास होता तो कभी उस पर अमेरिका न दौड़ता, अगर वो अफगानिस्तान के पास होता तो कभी भी उधर ना आता। ये एक डिटरेंट है जंग को रोकने का या दूसरे को डिटर करने का। और तीसरी बात ही कहना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान इंडिया की बात है, मैं तो कहता हूं कि ये हम पल्ला है और ये आपस में नेबर्स हैं, इनके रिलेशंस ये खुद हल करेंगे, और एक खुद अगर हल नहीं करेंगे और इसी तरीके से पॉइंट स्कोरिंग या फलाना आ गया, इससे बात नहीं चलेगी। बड़े को बड़े भाई का और छोटे को छोटे भाई का बराबर तस्लीम करके उसके मुताबिक जो इरिटेंट्स है या जो मसाइल है उसको हल, ये नहीं कि भाई मेरे पास जो कुछ है वो भी है और जो तुम्हारे पास है वो भी मेरा है, इससे मसाइल हल नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं, लेकिन फिर भी आई फील के अफगानिस्तान और ईरान जो है वो, या इराक जो वो इतना दूर अमेरिका में शायद मिसाइल ना मार सके, इतनी रेंज शायद नहीं होती। आई फील के पता नहीं, हो सकता है, हो भी सकती है, लेकिन इतनी रेंज मेरा ख्याल नहीं होती कि यहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिका को उड़ा दे, ऐसा हम लोग सिर्फ सोच सकते, होता नहीं है, मुझे नहीं लगता सर ऐसी कोई बात है। जी कुछ कह रहे थे आप जी, वो जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख लो ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये रिलेशन मुल्कों के मफादात के लिए होते हैं, उनके लोगों के मफादात के लिए होते हैं, और ये कोई भी मुल्क भी अपने मफादात को वैसे कुर्बान नहीं कर। जिस दिन पाकिस्तान समझेगा कि मेरे मफाद को बेहतरी आ रही है या मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ तो फिर तो, लेकिन अगर वो बिल्कुल एक ब्लॉक की तरफ जा रहा है और वो क्लोज एली की तरफ, तो फिर जाहिर है कि उसके बातचीत का कोई, कई दफा हम गए हैं, चनाब फार्मूला था उसमें आगे बढ़े थे, फिर कश्मीर में जो वाजपेयी गुजराल का जो पॉइंट था वो बहुत बेहतर था, रिलेशंस हो सकते थे, लेकिन फिर जब ब्लॉक लग जाए, एलिमेंट हो जाए तो फिर मेरे ख्याल तो मेरे ख्याल में खत्म करने पर। मुझे सिर्फ एक लाइन बोलने की इजाजत दीजिए, आरजू जी, ब्रिगेडियर साहब और पाकिस्तान, मत ढूंढिए छोटा भाई और बड़ा भाई, ढूंढिए तो सिर्फ इंसानियत ढूंढिए, अगर इंसानियत ठीक चल रही है, दिल ठीक चल रहा है, चीजें अपने आप ठीक होंगी, ढूंढिए कहां आप इंसानियत छोड़ बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आ जाए, जल्दी फिर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।